सूत्र पाठ मिल गया। इसी में से अपन कुछ सूत्र आज पढ़ेंगे, जिन पर व्याख्या भी करेंगे, जिनकी व्याख्या हो चुकी भी है। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्ति सारूप्यमितरत्र पिछली बार हमने पातंजल योग सूत्र के प्रथम दो सूत्रों का विचार किया था। मैं आपको यह बताना भूल गया और संभवतः बताया है कि नहीं, याद नहीं मुझे। ये पातंजल योग सूत्र के 196 सूत्र चार अध्यायों में विभक्त हैं। चार अध्याय तो मैंने बताए, उनके नाम संभवतः नहीं बताए। चार अध्याय में जो पहला अध्याय है वह है समाधि पाद। पाद यानी एक चरण, एक पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट डील्स विथ समाधि। समाधि का स्वरूप क्या है, चित्तवृत्ति निरोध का स्वरूप क्या है, उसकी बेसिक कंडीशंस क्या हैं प्रैक्टिस की, ये सब इसमें डील की जाएगी। दूसरा चैप्टर है साधन पाद, प्रैक्टिस। स्वामी विवेकानंद इसको प्रिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, ट्रांसलेशन, प्रैक्टिस। तो उसमें जो अष्टांग योग है उसमें से पांच, जो प्रथम पांच अंग हैं उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन पांच का अभ्यास कैसे करना उसका वर्णन है। उसके आधे पक्ष में यह वर्णन बाद में है, करीब 14 और 15 सूत्र में। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है पांच क्लेशों का, पंच क्लेश। थियोरेटिकल पोर्शन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में ये राग, द्वेष, अहंकार इत्यादि कैसे आते हैं, ये सारा वर्णन है, क्या स्वरूप है उनका। तो यह है साधन पाद। तीसरा है विभूति पाद। विभूति यानी पावर्स, स्वामी विवेकानंद ट्रांसलेट करते हैं, साइकिक पावर्स। कौन से पावर्स और कैसे प्राप्त होते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि, जो यह साधना का मेन पोर्शन है जिसे अंतरंग योग कहते हैं, उसको अगर आप किसी वस्तु विशेष पर करें तो आपको क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये सारा वर्णन है। आप लोगों ने सुना होगा योगिक सिद्धियां होती हैं, आदमी बैठा है यहां से गायब हो जावे, सूक्ष्म बन जाए, महान बन जाए, दूर की बात जानने लग जाए, महान शक्ति प्राप्त हो जावे, ये सारी की सारी सिद्धियों का वर्णन। और चतुर्थ और अंतिम पाद है कैवल्य पाद। इसमें कैवल्य या मुक्ति का स्वरूप क्या है उसका वर्णन। तो हमने प्रारंभ किया था पहले अध्याय के पहले और दूसरे सूत्र का, हमने पिछली बार विचार किया था। आप लोग सब जानते हैं हमने क्या कहा, योग अनुशासन क्या होता है, अथ शब्द का महत्व क्या है, और उसके बाद योग की परिभाषा दूसरे सूत्र में दी गई। कहा योग चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। अब हमने देखा था चित्त की भूमि क्या है, पांच भूमियां, ये स्वामी विवेकानंद भी अपनी व्याख्या में कहते हैं, व्यासदेव ने भी कहा गया है, जबकि पातंजल योग सूत्र में उनका उल्लेख नहीं है। लेकिन इसके बिना हम ठीक ठीक चित्तवृत्ति निरोध का स्वरूप क्या है वो नहीं समझते। और योग का उद्देश्य है हमारे समग्र व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करना, केवल सुपरफिशियल चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना मात्र नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस विचार से पिछली बार हमने पता लगाई थी, क्या कि चित्त की भूमि को परिवर्तित करना है। हमारा मन की बेसिक क्वालिटी जो है वह विक्षिप्त है, जैसे जमीन है तो वो पथरीली जमीन है या रेतीली जमीन है,
उसको ट्रांसफॉर्म करके बढ़िया जमीन बनाना, तब फिर चित्तवृत्ति निरोध करने पर समाधि जो होती है वो मोक्ष का कारण बनती है। इस पर हमने पिछली बार विस्तार से विचार किया था, विभिन्न प्रकार के दृष्टांत आदि देकर। अब आज हम दूसरा तीसरा सूत्र लिखते हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तदा उस समय कब, द्रष्टुः, अच्छा पढ़ लीजिए, द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तदा यानी कब, कब चित्तवृत्ति निरोध होगी तब। अभी देखिए इस तदा का अर्थ है तब, लेकिन इस तब शब्द का संबंध दूसरे वाले सूत्र से है। दूसरा वाला सूत्र अगर आप न पढ़ें तो तदा शब्द का आप अर्थ नहीं निकाल सकेंगे। जब चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी, योग हो जाएगा, तब क्या होगा, द्रष्टुः दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होगा। ये इसका लिटरल मीनिंग है, यानी जो दृष्टा है वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब ये दृष्टा क्या है, दृष्टा का अर्थ क्या है, देखने वाला, देखने वाला अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। देखने वाला कौन, देखने वाला हम देखने वाले हैं, नहीं ऐसी बात नहीं कहते। एक ग्रंथ है जिसका नाम है दृग दृश्य विवेक। दृग यानी देखने वाला और दृश्य यानी जो दिखता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो दृष्टा या दृग का अर्थ है सब्जेक्ट एंड दृष्टा दृश्य यानी ऑब्जेक्ट। मैं देख रहा हूं, मेरे लिए आई एम द सब्जेक्ट, मैं देखने वाला हूं और ये सारा हॉल ये दृश्य है। आप दृष्टा हैं, मैं और ये सारा स्टेज जो है वह दृश्य है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाइकोटमी, समझे ना, इसको आप कार्टेशियन डाइकोटमी भी कहते हैं फिलोसॉफी के अंदर, कि जो जगत है इसमें दो चीजें हैं, एक दृश्य और एक दृष्टा, एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। ये सारा जगत जो है एक मेरे लिए इट इज एन ऑब्जेक्ट। अब आप थोड़ा सा विचार करिए, उस ग्रंथ में दृग दृश्य विवेक में इसका विचार है, वहां कहा गया है कि आंख तो है दृष्टा और ऑब्जेक्ट है बाहर का जगत, है ना, आंख ने देखा बाहर के जगत को। अब आंख को कोई देख सकता है क्या, आंख को कोई देख सकता है, मैं देखता हूं, मेरा मन देखता है। अगर मेरी आंख से धुंधला दिखने लगे, अगर मेरी आंख में कुछ तकलीफ होवे, दृश्य स्पष्ट न होवे, तो मैं कहूंगा कि मेरी आंख से मुझे ठीक नहीं दिख रहा, मैंने अपनी आंख को देखा, मेरे मन ने मेरी आंख को देखा, तो मेरा मन हो गया सीयर देखने वाला और आई हो गई सीन, दृष्टा और दृश्य बदल गया। और उस ग्रंथ में आगे करके कहते हैं कि मैं अपने मन को भी तो देख लेता हूं, है ना, मैं अपने मन को देखता हूं, कहता हूं आज मेरा मन बड़ा चंचल, आज मैंने ध्यान करने का प्रयत्न किया लेकिन मन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ, माइंड वॉज वेरी रेस्टलेस। मन को किसने देखा, आपने देखा, तो ये आप कौन है, देखने वाला कौन, ये है अल्टीमेट दृष्टा। अब इस दृष्टा को आप देख सकते हो, आप कहेंगे हां मैं देख सकता हूं, मैंने जिस आंख को, मैंने मन का को देखा, मैंने मन को देखा था तो मैं भी, मैंने मेरा मुझे भी देखा। अब ऐसे तो भाई पीछे चलते चले जाओ, पहले आंख थी, आंख के पीछे मन था, मन के पीछे आत्मा थी, और आत्मा के पीछे दूसरी आत्मा, उसके पीछे तीसरी आत्मा, ऐसा तो करते 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 एक दृष्टा का दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा बनता चला जाएगा। इसको फिलोसॉफी में कहते हैं रिग्रेस एट इन्फिनिटम, या हिंदी में अनवस्था दोष, कहीं तो रुकना पड़ेगा,
ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, लॉजिकल इरेगुलरिटी है, ये ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, एक ऐसा दृष्टा होना पड़ेगा जिसको आप नहीं देख सकते। जो दृष्टा है उसे आकर अगर देख लोगे तो वो तो दृश्य हो जाएगा। आंख ने देखा, आपने आंख को देखा तो आंख दृश्य हो गई। मन ने देखा, मन को आपने देखा तो मन भी एक दृश्य हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अंततोगत्वा एक ऐसी एक वस्तु पदार्थ एक सत्ता होनी चाहिए जिसको कोई न देख सके, जिसको अगर देखोगे तो वो तो दृश्य हो जाएगा, वह है दृष्टा, अल्टीमेट दृष्टा, उसको आप देख नहीं सकते। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो अंतिक ज्ञाता है, जानकार व्यक्ति जानता है, उसके लिए बाकी तो ज्ञात वस्तु है। या दृष्टारम अरे केन विजानीयात, जो देखने वाला है, अल्टीमेट सीयर है, उसको कोई देख नहीं सकता, वह अल्टीमेट दृष्टा। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को मैंने देखा है, पर वो ऐड कर देते हैं, कहते हैं कि मैंने इस प्रकार देखा है जैसा मैं तुझे देखता हूं, इससे भी स्पष्टतर रूप से देखता हूं। अगर ईश्वर को मैं देख लूं तो ईश्वर तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईश्वर को जब देखा जाता है तो हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। वहां पर इसके बीच में ये आंख और मन का बाधा नहीं होती, इसको हम लांग जाते हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर या आत्मा जो है यह अंतिम दृष्टा है, इनको देखा नहीं जाता। केनोपनिषद संभवतः आप लोगों ने यह पढ़ा है, केनोपनिषद का पाठ हुआ, वहां पर यह कहा गया है, वहां कहा गया है कि अगर कोई कहे कि मैंने किसी को उसको देखा है, जाना है आत्मा को, तो वो झूठ बोलता है। वहां पर स्पष्ट रूप से ये बातें ऐसी कही गई हैं कि उसको देखा नहीं जा सकता। तो यह है दृष्टा, अल्टीमेट दृष्टा। इस सूत्र में कहा गया है कि जब चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो दृष्टा अपने स्पष्ट शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब उस शुद्ध स्पष्ट स्वरूप क्या है, इसकी भी हम चर्चा अभी करेंगे। लेकिन इस दृष्टा के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया गया। यहां पर आत्मा नहीं कहा। गीता को आप पढ़िए, द्वितीय अध्याय में क्या कहा गया, भगवान कहते हैं देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, समस्त प्राणियों की देह में, बॉडी में, शरीर में एक देही है जो उसके भीतर रहने वाला घर का मालिक जैसे, तो घर और उसका मालिक, देह और उसका देही, जिसको भीतर से कंट्रोल करता है, उसमें रहता है, वह है एक देही। या फिर उसको कहा शरीरी, वहां आत्मा शब्द का उपयोग तब तक नहीं, बाद में आके किया हो तो किया होगा। यहां पर उसी के लिए दृष्टा शब्द का उपयोग किया। और एक तीसरा शब्द भी आप पाएंगे पातंजल योग सूत्र में भी है, पुरुष। पुरुष सांख्य दर्शन के अनुसार दो बेसिक तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। मेरा सौभाग्य है कि आप लोग सबको पूज्य पीताम्बरानंद जी ने वेदांत की अच्छी एक भूमिका दे दी है, तो ये जो टेक्निकल बातें हैं पुरुष प्रकृति आत्मा परमात्मा, उसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तब देखिए वह क्या है, पुरुष और प्रकृति। सांख्य कहते हैं कि दो सत्ता है संसार में, एक पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या है, ये चैतन्य सत्ता जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम सच्चिदानंद भी कहते हैं, जो कॉन्शियस एंटिटी है। हम लोग सब कॉन्शियस हैं, हम लोग लिविंग बीइंग्स हैं, हम सोच सकते हैं, ये नहीं सोच सकता, ये नहीं सोचता। आसपास जो जड़ पदार्थ हैं ये सब क्या है, ये
नेचर, प्रकृति मीन्स नेचर, पुरुष यानि मैन। मैं देखिए वेरी ग्रॉस इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, केवल इतना नहीं है। हमारे शरीर में भी हमारा जो बॉडी है ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, है कि नहीं? मॉडर्न साइंस बताता है, फिजियोलॉजी बताती है, एनाटॉमी बताती है कि आपका जो शरीर है यह भी मैटर है, यह भी नेचर है। ये तो लिविंग लगता है, जब आपके प्राण निकल जाएंगे तब क्या होगा, वो शरीर पड़ा रहेगा, इट विल बी एज डेट मैटर एज स्टोन। तो शरीर जो है वह भी एक्चुअली मैटर है, वह भी प्रकृति का अंग है, और मन, मन भी मैटर, मन है सूक्ष्म मैटर, मन को भी मैटर कहा गया। सांख्य के अनुसार पुरुष इज चैतन्य, प्रकृति जड़, एवरीथिंग मैटर विदाउट लाइफ, लाइफ वर्ड भी ठीक नहीं, विदाउट कॉन्शियसनेस, चेतन के सिवाय जो कुछ है वह तो है मैटर, प्रकृति, और जो चेतन है वह है पुरुष। अब यह जो पुरुष है, लेकिन यह काम नहीं कर सकता, निष्क्रिय है। जो पुरुष है यानी प्योर कॉन्शियसनेस, इट कैन नॉट डू एनीथिंग। वो चेतन मात्र रहेगी, सत्ता मात्र है, प्रकृति है वो क्या है, जड़ है, लेकिन एक्टिव। बड़ी विचित्र बात लगती है। अब देखिए ना, ये पंखा तो है डेड लेकिन चल रहा है कि नहीं। इंजन को ले लीजिए, इट इज द बेस्ट एग्जांपल, कार को ले लीजिए, तो कार या कार, ट्रेन का इंजन, प्लेन का इंजन, ये है तो डेड मैटर, इजंट इट? उसमें एक पुरुष चला गया, एक ड्राइवर चला गया, और ड्राइवर ने क्या किया, उसको चला दिया। ड्राइवर तो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है उसमें, इज लिविंग बट इज इनएक्टिव, वो बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, बटन दबा रहा है बस। और वो कार इतनी तेजी से जा रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, इधर उधर घूम रही है, एंड ही इज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग। यही चीज फिलोसॉफिकल स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर, अल्टीमेट स्तर की बात करते हैं, वहां कहते हैं कि ये पुरुष जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्रकृति है जड़। पुरुष मूवमेंट नहीं करता, प्रकृति मूवमेंट करती है। मूवमेंट कैसे होता है, पुरुष के पास में प्रकृति आ जाती है। जब दोनों का सन्निकर्ष होता है तो पुरुष की प्रेजेंस से प्रकृति में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मूवमेंट हो जाते हैं। जैसे ड्राइवर जब कार में बैठता है तब जो खाली बिल्कुल डल पड़ी हुई कार थी वो फटाफट चलने लग जाती। एक दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, एक मैग्नेट और बहुत सारे आयरन के टुकड़े, लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, बिल्कुल डेड हैं। जैसे ही आप मैग्नेट वहां लाएंगे तो मैग्नेट तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये मैग्नेट के प्रेजेंस से ही, मैग्नेट की उपस्थिति मात्र से सब आयरन फॉइल्स जो हैं टुकड़े वो मूवमेंट करने लग जाते हैं, है कि नहीं? यही चीज वेदांत सांख्य के अनुसार, एक पुरुष है वो चैतन्य है, वो कॉन्शियस है लेकिन इनएक्टिव है, प्रकृति जड़ है लेकिन वह एक्टिव है। जब प्रकृति पुरुष के निकट आती है तो प्रकृति में मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसमें तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, तीनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने लग जाते हैं और सारे जगत की सृष्टि होती है। उससे महत्त्व उत्पन्न होता है, उसके अहंकार उत्पन्न होता है, उससे फिर पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती है, उसके बाद में पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण इत्यादि, सारे स्थूल भूत इत्यादि, 23 तत्व और प्रकृति एक 24, ये 24 तत्व सारे के सारे उत्पन्न होते। अब इसके आप विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं बताना क्या जा रहा हूं कि यह पुरुष जब प्रकृति के निकट आता है और तो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, और प्रकृति के साथ जुड़कर अपना स्वरूप खो देता है, वो प्रकृति के साथ एक रूप हो जाता है। आपको दृष्टांत देकर
यहां पर चौथे सूत्र में उस बात को कहेंगे। इस पुरुष के लिए एक शब्द, जैसा मैंने कहा, मैं बता रहा था ये पुरुष शब्द का अर्थ। अब पुरुष शब्द का एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? पुरिषेते पुरुषः, संस्कृत के अनुसार पुरुई, पुरी यानी नगर में जो सोता है, पुरी नगर, नगर में जो सोता है वह पुरुष। इस शरीर को कहा गया पुरी, और आप देखेंगे शास्त्रों में है नवद्वारे पुरे देही, यह जो हमारा शरीर है उसको एक नगर कहा गया, एक सिटी जिसमें नौ द्वार हैं, नाइन एंट्रेंसेस, एक अंबाला की तरफ से, एक लुधियाना की तरफ से, एक शिमला की तरफ से, एक दूसरी तरफ से, ऐसे सेवन नाइन एंट्रेंसेस। अब तो आजकल तो ये शहर जो हैं वो खुले हो गए, पहले जमाने में परकोटे थे, वॉल्स होती थी ना, बड़ी बड़ी वॉल्स नगरों की होती थी और उसके अंदर दरवाजे होते थे, अलग अलग गेट्स होते थे, तो वो उन गेट्स में आते आदमी एक दूसरे इधर जाएगा, एक दूसरा उधर जाएगा। शहरों के ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और उसमें दरवाजे होते थे। श्रीमद् भागवतम, आपने नाम सुना है, प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तों का, वैष्णवों का। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ी अच्छी कहानी आती है राजा पुरंजन की। एक राजा थे, वो घूमने निकले, उनको एक अच्छा नगर चाहिए जहां पे अपनी राजधानी बनाए। घूमते घूमते गए, उस समय तो चंडीगढ़ बना नहीं होगा, तो चंडीगढ़ तो 50 साल का। उन्होंने घूमते घूमते एक अच्छा नगर देखा, चारों तरफ दीवार, उसमें नौ दरवाजे, और नरवा दरवाजे के अंदर घुसे, बड़ा अच्छा मकान बना हुआ था, अच्छे अच्छे मकान थे, और उसमें एक सर्प था, पांच फन वाला सर्प, वो उसका गार्ड कर रहा था। बड़ा अच्छा लगा, उसमें आके वो रहने लगे। वहां पे एक सुंदरी युवती मिल गई, उसके साथ प्रेम हो गया, उसके साथ विवाह हो गया, उसमें वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इस नगर के ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, बाहर से एक शत्रु आया, यवन। उसकी एक बड़ी बड़ी कुरूप, बड़ी भद्दी एक बहन भी थी, वो भी घुस आई, वो भी सबको तंग करे, और ये बार बार इसके ऊपर, ये यवन आके बार बार इसको अटैक करने लगा, आक्रमण करने लगा नगर को। और ये जो सर्प था, वो उसका रक्षा करने वाला, वो उसके साथ झगड़ा करता था, ये करता था। अंत में ये नगर टूट गया और राजा को निकाल दिया गया, युद्ध में हार गया, और वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर निकला, भटकता रहा, अंत में पत्नी भी मर गई। तो पत्नी के वियोग में, पत्नी से इतना वो आसक्त था कि पत्नी का चिंतन करते 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 वो अपने को स्त्री समझने लगा। और उसके बाद में कहानी ऐसी है कि उस स्त्री का एक दूसरे पुरुष से विवाह हो गया, और उसको एक बार दूसरा कष्ट मिलने लगा। इतने में एक उसका मित्र आया, उसने कहा, अरे राजा पुरंजन, देखिए मैं पुरंजन नाम तो सुना है, वो तो अपने को नारी समझता था, कि तुम राजा हो, पुरंजन हो? हाँ, नाम तो मैंने सुना है, पहचान नहीं पा रहा हूं कौन है, तुम मुझे भूल गए, मैं कौन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहा। तब उसको याद आया, अरे हाँ, तो सदा मेरे साथ रहा था, ये मेरा मित्र है। और फिर उसे अपनी स्मृति हो जाती है कि मैं राजा पुरंजन हूं, उसका भ्रम दूर हो जाता है कि मैं एक स्त्री हूं। संक्षेप में कहानी है ये, पांच छह अध्यायों में विस्तारित कहानी। यह है रूपक, यह एक एलेगोरिकल कहानी है। यह नव द्वार वाला जो नगर है क्या है? यह शरीर। और यह पुरंजन कौन है? राजा। यह परमात्मा या आत्मा, वो इस शरीर में घुस जाता है, मानव शरीर में, शरीर में घुसता है। इसमें जो सर्प है वो रक्षा करने वाला कौन है? ये पंच प्राण है, वो जो शरीर को चलाते रहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो अटैक होता है, ये अटैक किसका हुआ, आक्रमण किसका हुआ? ये आक्रमण होता है, यवन कौन है? काल, टाइम, मृत्यु, युद्ध होता है उससे। और उसकी एक बड़ी कुरूप बहन है, वो कौन है? जरा,
उसका नाम जरा है, जरा इन्हें बुढ़ापा, सारा का सारा एलेगोरिकल है। अब वो एक युवती से प्रेम करके विवाह करता है, वो कौन है? वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट। और मानव ये आत्मा बुद्धि के साथ इतना संयुक्त हो जाता है कि अंत में वो अपने को बुद्धि से अभिन्न समझने लग जाता है, वो अपने को एक लड़की औरत समझने लग जाता है। उसके बाद में परमात्मा वह उसके मित्र हैं, वो मित्र कहते हैं अरे तुम वो बुद्धि नहीं हो। ये यहां पर जो कहा चौथे सूत्र में आएगा, वृत्ति सारूप्यम, हम अपनी बुद्धि के साथ एक रूप हो जाते हैं। बड़ी सुंदर ढंग से इस कहानी में बताया है। और उसके बाद में परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ था, मैं सदा तुम्हारे साथ में रहा हूं। आत्मा और परमात्मा, एक जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, मैं परमात्मा से संबंधित हो वह भूल जाता है, परमात्मा नहीं भूलता। अंत तो उसको ज्ञान होता है और वो अपना भ्रम की वह बुद्धि है वह भूल जाता है, वो छोड़ देता है। तो यह जो बुद्धि के साथ में आत्मा का संयुक्त होना, अनुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः पिछली बार हमारे पाठ में कुछ व्यवधान हुआ था, तूफान आ गया था, आंधी तूफान और बिजली चली गई थी और संभवतः आप लोगों को सुनने में असुविधा हुई होगी, माइक भी चला गया था, आप लोग आगे आ गए थे। तो व्यवधान तो जीवन में होते रहेंगे, कहते हैं ना श्रेयांसी बहुविघ्नानी, हम चाहे कितनी भी सुविधा करें लेकिन व्यवधान होते रहेंगे, इससे हमें विचलित नहीं होना है। इन व्यवधानों के बीच में स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, सत्संग अवश्य करना है। याद रखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो संत हो गए हैं, संत महापुरुष, वे लोग तपस्या करते हैं, असुविधा की स्थिति में अपने आप को रखते हैं, चले जाते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत में, जहां खाने पीने की असुविधा, रहने की असुविधा हो, कभी गर्मी है तो कभी ठंड है, ऐसे में चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और यह नियम है, एक आप लोगों को विचित्र बात लगेगी कि यह कैसी स्थिति कि आप कठिनाई में अपने को डालो और पाठ करो, स्वाध्याय करो, लेकिन यह नियम है। बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन के साथ साथ शारीरिक तपस्या होनी चाहिए। ये बौद्धिक अर्जन, ज्ञानार्जन, स्वाध्याय, ध्यान, ये मानसिक तपस्याएं हैं और साथ ही उसके साथ में शारीरिक तपस्याएं होनी चाहिए। टीवी लगा हुआ है, टीवी नहीं सॉरी एसी लगा हुआ है, अच्छा सा कुशन पे बैठे हुए हैं, बड़ी सब अच्छी चीजें हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप किताब पढ़ रहे हैं ज्ञान अर्जन की इत्यादि की, योग पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो जो ऐसा ज्ञान जो सुविधा में प्राप्त होगा, जब आप असुविधा में पड़ेंगे तब वह गायब हो जाए। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यह है कि ज्ञानार्जन करना चाहिए तपस्या और असुविधाओं में, जिससे जब तपस्या और असुविधाएं आएंगी तब वह जाएगा। तो
ऐसी जब परिस्थितियां आ जावे तब हम लोगों को उस परिस्थिति से भागना है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि आप में से कोई भी नहीं गया, आप लोग आगे आ गए। थोड़ा सुनने में थोड़ा सा आपको स्ट्रेन करना पड़ा, कोई बात नहीं, अच्छा ही है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना पड़ा। जब माइक लगा हो तो मन इधर उधर भाग जाएगा, लेकिन जब माइक नहीं लगा हो तो कान को स्ट्रेन करना पड़ता है तो मन भी पीछे लग जाता। तो जो हो, हम लोगों ने पिछली बार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांच प्रकार की जो चित्त वृत्तियां हैं उसकी मैंने संक्षेप में आपको भूमिका बताई थी। आज उन्हीं को विस्तार से बताएंगे। पतंजलि स्वयं उनकी परिभाषा हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे क्या कहते हैं, एक एक की परिभाषा वे करेंगे। सातवां सूत्र, प्रत्यक्षानुमान गामाः प्रमाणानि। बोलिए, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण शब्द नपुंसक लिंग है और उसका बहुवचन हो गया प्रमाणानि। क्या कहा यहां पर, पहली परिभाषा दी किसकी, प्रमाण की। प्रमाण शब्द किससे बना है, प्रमा से। प्रमा यानी सत्य नॉलेज, सत्य ज्ञान, जैसी वस्तु है वैसा उसको जानना, इसे कहते हैं प्रमा। मेरे मन में जो ज्ञान उदित हुआ, आप बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, एक दृश्य देख रहे हैं, एक वक्ता बैठा हुआ है, पीछे चित्र लगे हुए हैं, इससे, इसको देखकर आपके मन में जो वृत्ति, सत्य वृत्ति उठी, जो यथार्थ वस्तु है उसके अनुरूप वृत्ति मन में जो उठी, उसे कहते हैं प्रमा। और जिसके माध्यम से, जिस करण, जिस उपाय, जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वह वृत्ति उठी, उसे कहते हैं प्रमाण। तो प्रमा ज्ञान के तीन प्रकार के प्रमाण हैं, यानी हमारे मन में जो वस्तु स्थिति है संसार की, अपने विषय में, जगत की, किसी भी, स्वयं के विषय में, दूसरे के विषय में, जो भी एक वृत्ति हमारे मन में, सत्य ज्ञान यदि उदित होवे, वो तीन प्रकार से हो सकता है, तीन मेथड से हो सकता है। वे कौन से तीन मेथड्स हैं, इस सूत्र में कही गई हैं। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रति अक्ष, अक्ष यानी इंद्रिय, नेत्र, अक्ष का शब्द है, अक्ष यानी नेत्र। यहां केवल नेत्र का अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है किसी, कोई भी इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, प्रति अक्ष इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान पैदा होवे उसको हम कहते हैं प्रमाण। और सत्य ज्ञान होना चाहिए, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। हम नेत्र को बहुत महत्व देते हैं, नेत्र के माध्यम से हमारे मन में एक वृत्ति उठती है, सत्य वृत्ति है, उसे हमने कहा प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरी वृत्ति आप ले लीजिए, आप कमीज पहन के, कपड़े पहन कर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, हवा आपके स्किन को छू रही है, चमड़ी को छू रही है, और आपके मन में एक वृत्ति उठती है कि हवा ठंडी लगती है, ठंडा लग रहा है। तीसरा ले लीजिए दृष्टांत, आप कर्ण से कुछ सुनते हैं, आप मेरी वाणी सुन रहे हैं, और आपके मन में जैसा मैं बोल रहा हूं वैसी ही वृत्ति उदित हो रही है, यह कर्णगत प्रमाण है, कर्णगत प्रत्यक्ष है। आप नाक से सूंघते हैं, एक गंध जलाई गई, एक सुगंध आ रही है, आप कहते हैं कि यह मोगरा की सुगंध है या एक गुलाब की सुगंध है, तो आपने जो सुगंध है जैसी है वैसा ही आपको अनुभव हुआ, यह हुआ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से उत्पन्न प्रमा। तो पहला यह है प्रत्यक्ष प्रमाण, हम सब समझते हैं इस चीज को, ये इजीएस्ट है। हम देखेंगे अब जब विपर्यय पर विचार होगा, देखेंगे कि प्रत्यक्ष और विपर्यय कैसे एक दूसरे से मिल जाते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, इसकी बात हम आगे देखेंगे। दूसरा है अनुमान प्रमाण।
अनुमान। कैसा अनुमान? प्रमाण, एक इन्फ्रेंस, लॉजिकल इन्फ्रेंस करें क्या। और एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दिया जाता है, याद रखिए, ये अनुमान इसका न्याय शास्त्र में, लॉजिक में बहुत महत्व है। क्या अनुमान? आपने देखा कि धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठा तो क्या है? या धुआं उठ रहा है, कहीं ना कहीं आग लगी है। आप जाए जंगल में जा रहे हैं, देखेंगे धुआं उठ रहा, कहीं आग लगी है। आग नहीं दिख रही है आपको, तो प्रत्यक्ष तो है केवल धुआं, लेकिन उस प्रत्यक्ष से आपने अनुमान लगाया, इन्फ्रेंस लगाया कि वहां पर आग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चूल्हे में आपने देखा है जब आग जलाते हैं, लकड़ी जलती है, तब धुआं उठता है। तो इसे कहते हैं लिंग, यानी इंडिकेटर। क्या है इंडिकेटर? धुआं। और उसके साथ में एक एग्जाम्पल होना चाहिए, इलस्ट्रेशन। ये अब सैकड़ों प्रकार के अनुमान हो सकते हैं। एक दिस इज ए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। आप पहाड़ों में जाइए, बारिश आने वाली है, आप अगर शिमला की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि नाला है। अब नाला है, उसमें सूखा है। अगर आप देखें वहां पर कि वहां पर पानी गिर रहा है, पानी आ रहा है, तेजी से आ रहा है, तो आपको क्या है? यहां पर तो ठंडा है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां आकाश साफ है, लेकिन नाले में पानी आ गया, तब क्या होगा? अरे भाई, शिमला की पहाड़ियों में वहां पर बारिश हुई होगी। पानी को देखकर आपने अनुमान लगाया कि बारिश। तो इस प्रकार के इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। और अनुमान से भी जो ज्ञान आपको अर्जित हुआ वह सत्य का विरोधी नहीं है। कल आप दूसरे दिन पेपर में आपको मिल जाएगा कि हां, शिमला के पहाड़ों में बारिश हुई थी। अब इसके अनुमान के अलग अलग प्रकार हैं, और युक्ति तर्क शास्त्र में, लॉजिक में, न्याय शास्त्र में और भी प्रकार के हैं। एक अर्थापत्ति जिसे कहते हैं, अर्थापत्ति यानी एक इन्फ्रेंस, एक अर्थ लगाना चाहिए जो वहां नहीं है उसके अनुरूप। जैसे दृष्टांत दिया शास्त्रों में, मजेदार दृष्टांत है इसलिए मैं कह रहा हूं, देवदत्तो पीनो भवती दीवान भुंगते, दीवान भुंगते पीनो भवती। देवदत्त किसी का नाम, देवदत्त जो है वो दिन को तो नहीं खाता लेकिन मोटा होता जा रहा, इसका क्या अनुमान, क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे? कि वो रात को खाता है, छुपा के खाता है, बिना देखे दिखा के खाता है। अब ये अनुमान आप सभी जगह लगाते हैं, आप संसार में अनुमान से बहुत सारे काम होते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक आदमी है, उसको 100 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए मिलते हैं, उसने एक मकान बना लिया, तो आप अनुमान लगा लीजिए क्या है, करते हैं ना ये अनुमान लगा। तो ये कई प्रकार के अनुमान हैं, और जिससे जो ज्ञान हमारे मन में अर्जित, ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न होती है वह सत्य वृत्ति होती है, इसलिए उसको अनुमान कहते हैं। तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का क्या अर्थ है? आगम, आगम यानी जो पहुंचा है, जो इज रीच्ड, जो महापुरुष जिसे हम आप्त पुरुष कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने राजयोग में उसको विस्तार से इसके ऊपर वर्णन किया है, जो आप्त पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, अनुभूति संपन्न महापुरुष हैं, उनके शब्द, इनको हम आगम कहते हैं, यानी शास्त्र। उपनिषद को एक प्रमाण माना गया, बाइबल को एक प्रमाण माना गया, कुरान को एक प्रमाण माना गया, वेदों को प्रमाण माना गया। हम क्या कहते हैं? यह बात आप कैसे कहते हैं? अमुक चीज है, वेदों में लिखा गया, वेदों ने जो कहा है उनको हम सत्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की जो वाणी है वह सत्य है, उन्होंने कुछ अनुभूति की है, और वह वो कहते हैं, उसे हम मानते हैं। हम खुद जिसे अनुमान के द्वारा नहीं जान सकते,
शास्त्र के द्वारा हम नहीं जान और अनुभव के द्वारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं जान सकते, वह हम आप्त पुरुषों से प्राप्त करते हैं। अब एक साधारण दृष्टांत ले लीजिए, एक जैसे मैंने कहा एक कार आई सामने खड़ी हुई, हमने देखा यह हमारी कार है, तो हमने प्रत्यक्ष देखा, हम कमरे में हैं, आपने एक हॉर्न सुना पी, तो आपने अनुमान लगाया कि हॉर्न तो मेरी कार का होना चाहिए, हमने प्रणवा लगाया कि मेरी कार आ गई, या फिर आप चुपचाप बैठे हैं, हॉर्न भी नहीं हुआ, आंखों से आपने देखा भी नहीं, लेकिन आपके ड्राइवर ने आके कहा कि साहब गाड़ी आ गई है, या दूसरा व्यक्ति आके कहता है कि आपकी कार आ गई, आपने मान लिया उस बात को, न तो यह प्रत्यक्ष है न यह अनुमान है, यह क्या है? किसी का वाक्य जो हमने स्वीकार किया, आप्त वाक्य। श्री रामकृष्ण इस आप्त वाक्य पर बड़ी मजाक करते थे। हम लोग आज के हमारे युग में, कलयुग में कौन से आप्त वाक्य हैं? या आगम प्रमाण है, न्यूज़पेपर है कि नहीं? बहुत सारी बातें हम नहीं जानते, संसार में क्या हो रहा है हमने आंखों से नहीं देखा, वो जिंद में क्या हो रहा है हमने आंखों से नहीं देखा, हमारे पास अनुमान का भी कोई उपाय नहीं। अगर किसानों की हड़ताल हो जाती है, अन्न की कमी यहां पर हो जाती है, तब हमें पता चलेगा कि संभवतः कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमको क्या मिलता है? समाचार पत्रों में, पेपर, न्यूज़पेपर, आज के मानो आगम प्रमाण। मैं आपको भिन्न प्रकार के दृष्टांत दे रहा हूं आगम प्रमाण, लेकिन यहां पर इस संदर्भ में, योग के संदर्भ में है वो आप्त प्रमाण, जो जो महापुरुषों ने अनुभव किया है उसे मूलतः सामान्यतः आप्त प्रमाण कहा जाता है। अब स्वामी विवेकानंद इस आप्त प्रमाण के ऊपर एक लंबी व्याख्या करते हैं। किसका शब्द क्यों मानना चाहिए किसी का प्रमाण? याद रखिए, जिस वक्तु का हमें ज्ञान नहीं है, शास्त्र क्या है? अज्ञात ज्ञापक। हम ईश्वर के बारे में नहीं जानते, हम संसार की सभी वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं, ईश्वर के बारे में नहीं जानते। जो शास्त्र है, जिस वस्तु को हम नहीं जानते उसका ज्ञान देने वाले हैं, उन्हें हम कहते हैं अज्ञात ज्ञापक शास्त्र, इसलिए हम शास्त्र पढ़। श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं मैंने ईश्वर को देखा है। अब प्रश्न यह है, हम तो ईश्वर को नहीं देखते, ईश्वर सत्य है यह ज्ञान हमारे मन में उठेगा, यह होगा आगम प्रमाण, श्री रामकृष्ण ने कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या हम श्री रामकृष्ण की वाणी हमें स्वीकार करना चाहिए? क्या हमें शास्त्रों की वाणी स्वीकार करना चाहिए? कुछ लोग यह मानते हैं कि हम नहीं स्वीकार करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों को हम स्वीकार नहीं करते, जो डायरेक्ट परसेप्शन है उसी को हम स्वीकार करें। इस पर बड़ा विचार होता है, विज्ञान की पद्धति है, विज्ञान कहता है कि जो डायरेक्ट परसेप्शन है वही नॉलेज है और कुछ नहीं। यहां तक कि जो चार्वाक लोग हैं, चार्वाक लोग तो कहते हैं कि अनुमान प्रमाण को भी वे नहीं मानते, वे कहते हैं जो डायरेक्ट सामने दिखता है वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। आज का विज्ञान उसको नकार देता है। आज का विज्ञान, दृष्टांत ले लीजिए, मैं अभी कह रहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी जो है उसमें भी समस्या हो सकती है। मैं देख रहा हूं ये मेरे सामने थर्मोस पड़ा हुआ है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, थर्मोस है, मैं स्पर्श करके दे सकता हूं सभी तरह से थर्मोस। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन है, ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, आप आंखों से देख रहे हो, आपकी आंखें सीमित हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आंखें मिल जावे तो आपको ये कुछ भिन्न प्रकार से दिखेगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सेंसेस मिल जावे तो आप जगत को उसे भिन्न प्रकार से देखने लगेंगे, यहां पर वाइब्रेशंस अलग अलग प्रकार के देखने लग जाएंगे। पर जहां तक हमारा प्रश्न है, जो हमने देखा उसी के अनुरूप मन में वृत्ति उठी, इसी को हम मान लेते हैं प्रमाण।
महापुरुषों का यही कहना है कि भाई हम भी ईश्वर को देखते हैं। अगर आप इसको नहीं देखते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को, लेकिन एक वैज्ञानिक कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से निर्मित है, वह वैज्ञानिक का जो कथन है वह एक आप्तवाक्य है, वह आगन प्रमाण है, वह अज्ञात ज्ञापक है, जो हम नहीं जानते उसको ज्ञात। इसी प्रकार से महापुरुष के वचन जो शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं वे सब भी आप्त प्रमाण है या आगम प्रमाण है। क्यों? हम नहीं जानते, उन्होंने जाना है, उन्होंने देखा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर को मैंने देखा है, मेरे लिए ईश्वर उतना ही सत्य है जितना मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति, उससे भी अधिक सत्य है। अब कोई भी आदमी आकर कह सकता है कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया। श्री राम कृष्ण ने तो ऐसा कर दिया कि ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, तो अब सब आके सोचते हैं ईश्वर दर्शन कैसे हो, ईश्वर दर्शन कैसे हो, इत्यादि इत्यादि। तो एक व्यक्ति बड़ा व्याकुल हुआ, ईश्वर दर्शन करना चाहता था, काली का भक्त था, अपने किसी को पास गया, किसी ने कहा सुना कि अमुक व्यक्ति है वो तो 3 महीने में समाधि करा देता है। आजकल तो ये हो गया है कि आपके कुंडलिनी को आप मूलाधार से स्वादिष्ठान तक जागृत करने के 500 रुपये, फिर अनाहत तक जागृत करने के 1000 रुपये, उसके बाद में मणिपुर जागृत करने के 1500 रुपये और सहस्त्रा तक जागने के 5000 रुपये, ऐसा भी चल रहा है। तो उसने कहा कि तुम उनके गुरु के पास जाओ, वो तुमको मां काली का दर्शन करा देंगे। पहुंचे तो कहा कि हाँ दर्शन करा देंगे, तुमको दीक्षा लेने, मंत्र दीक्षा लेना पड़ेगा। हाँ लूंगा, और हमारी फीस 500 रुपये गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो ठीक है, 500 रुपये गुरु दक्षिणा दी, उसको काली का मंत्र दिया और कहा क्या करूं, 1 महीने तक बराबर जप करो, 1000 जप करके मेरे पास आना। और बेचारा सिंसियरली 1000 बार जप किया, गुरु के पास फिर पहुंचा। अच्छा ठीक है, तुम एक कमरे में बैठ जाओ। कमरे में उसको बिठा दिया, अंधेरा कमरा, दरवाजा बंद कर दिया, सब शांत। अचानक आवाज हुआ, एक जोर से आवाज हुआ। उसने जो आंखें खोली तो सामने प्रकाश, प्रकाश के भीतर मां काली चतुर्भुज रूप में खड़ी हुई है, वराभय करा खड़ी हुई है। बड़ा खुश हुआ, सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधिके स्तुति की, प्रणिपात किया। फिर उसके मन में कुछ शंका हुई, उसने कहा कि मां मैंने तो सुना था कि ईश्वर दर्शन इतना आसान नहीं है, जब दर्शन होता है तो या तो आदमी भयभीत होकर भाग जाता है, इतना आसान नहीं है ईश्वर दर्शन, ठहर नहीं पाते, इसके बहुत दृष्टांत है, मैं विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कहना चाहता, या फिर आनंद से भरपूर हो जाता है। ईश्वर दर्शन वो जीवन का चरम आदर्श, आनंद सच्चिदानंद का दर्शन, आनंद से भरपूर हो जाता है। मेरे को न तो भय हो रहा है न अधिक आनंद हो रहा है, क्या बात। तो मां काली कहती हैं ये सब तो मैं नहीं जानता, तुम्हारे गुरुजी ने मेरे को 100 रुपये दिए और कहा कि तुम ऐसे खड़े हो जाना। तो इसे दर्शन ईश्वर दर्शन नहीं कहते। ईश्वर दर्शन के श्री राम कृष्ण और स्वामी विवेकानंद एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि आप्त वाक्य जो है उसको सत्य का विरोधी नहीं होना चाहिए, जो सामान्य सत्य हम जानते हैं उसका विरोधी नहीं होना चाहिए। जैसे ईश्वर ईश्वर है श्री राम कृष्ण ने कहा, अब श्री राम कृष्ण ने यह बात कही, लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते, लेकिन श्री रामकृष्ण ने जो कहा उसको लॉजिकली भी प्रूव किया जा सकता है। तो जो हो, जो आप्त वचन हो, जो आगम प्रमाण हो, वो सत्य का विरोधी नहीं होना चाहिए और तर्क का, रीजन का भी विरोधी नहीं होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद कंडीशन रखते हैं। वह ऐसा कि वह व्यक्ति अगर उसने जो कहा है भले ही लगे कि वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो वह जहां तक हम रीजन पहुंचा है इट गोज बियॉन्ड, बट इट डज नॉट कॉन्ट्रेडिक्ट रीजन। तीसरी कंडीशन है, जिस आप्त पुरुष ने यह बात कही है
उसका चरित्र शुद्ध होना चाहिए। कोई व्यक्ति आके कहे कि मैंने ईश्वर को देखा है तो पागल लोग पागल ही समझेंगे, श्री रामकृष्ण को पागल समझते थे। लेकिन आगे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध यह हुआ कि यह एक अद्भुत प्रकार के पागल हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। आप्त पुरुष सामान्य नहीं होता, वो सामान्य लोगों से ऊपर चला जाता है। और चौथी कंडीशन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप्त पुरुष ने जो सत्य के बारे में कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है, तो आत्म पुरुष स्वयं वह सत्य हम सभी के द्वारा भी अनुभूत होना चाहिए। श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मैंने ईश्वर को देखा है और तुम भी ईश्वर को देख सकते हो। यह नहीं कि मैंने ईश्वर को देखा है तुम नहीं देख सकते हो। यह वैज्ञानिक सत्य तो यह है कि जो आपने अनुभव किया है, विज्ञान कहता है कि तुम भी, ये साइंटिफिक मेथड से इट इज जो ट्रूथ है, इज द ट्रूथ इज फॉर एवरीवन, और सत्य हमारे लिए है और आपके लिए नहीं है, ये नहीं। तो ये चार कंडीशन स्वामी विवेकानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उस व्यक्ति में जो कहता है वह सत्य होना चाहिए। सेकंड, वह सौदेबाज नहीं हो। एक मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा मजेदार बात, मैंने कहा ना कि जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक हजरत मोहम्मद तो हो गए थे, हजरत उमर के जमाने में एक व्यक्ति ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं नया पैगंबर हूं, द लेटेस्ट प्रॉफिट। अब हजरत मोहम्मद को भूल जाओ, मैं जो कहूं वो सत्य है। तो ये तो ब्लैस्फेमी है, उसको पकड़ लिया, डंडे मारे और जेल में भर दिया। तो उसने कहा कि ये तो मैं जानता ही था, जितने पैगंबर हुए उनके यही हालत होती है, उसको जेल में भर देता। उसने कहा कि 24 घंटा दिया है तुमको, सोच लो, नहीं तो तुम्हारा सिर हलग कर दिया जाएगा। कि नहीं, वो तो सिर हलग होने ही वाला है, जितने पैगंबर हुए। पागल, बिल्कुल पागल। पास में दूसरा आदमी बंधा हुआ था, वो जोर से हंसा, अरे ये मूर्ख है, मैंने अभी कभी भी इसको मैसेंजर करके नहीं भेजा है। वो तो अपने को अल्लाह ही समझ रहा है, वो स्वयं को अल्लाह समझ रहा है, दूसरा अपने को पैगंबर समझ रहा है। ये आप तो नहीं, उनके चरित्र से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ऐसे व्यक्ति में किसी प्रकार की नाम यश की स्पृहा नहीं होती। वह अपने ज्ञान को जिसे कहते हैं कि वो बिखेरता नहीं, ज्ञान को उसका सौदा नहीं करता। और चौथा है कि वह जो कहा है वो किसी वैज्ञानिक सत्य का खंडन नहीं करता। और अंत में वह व्यक्ति जो भी है वह दूसरे भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये चार कंडीशन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक आप्त पुरुष अगर आप्त प्रमाण हो, उस प्रमाण की कंडीशन उन्होंने कहा यह होनी चाहिए। हम योग यह मानते हैं कि जो हमारे ऋषियों ने वेदों को लिखा है वे मंत्र दृष्टा ऋषि थे और उन्होंने जो कहा वो सत्य है। और यह बात हम जानते हैं सभी शास्त्रों के बारे में है, वेदों के बारे में, कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, प्रत्येक वाक्य जो कहा गया है उसे बिल्कुल सत्य माना जाता है। उस एक वाक्य के ऊपर वाद बन जाते हैं, सेक्ट बन जाते हैं, लोग एक वाक्य को दृढ़ता से पकड़कर अपना सावन जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो हो, ये तीन प्रकार के प्रमाण की यहां पर बात कही गई, प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान प्रमाण। आगे चलिए, आठवां सूत्र लें, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। बोलिए, विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। क्या है विपर्यय? विपर्यय यानी क्या? विपर्यय एक शब्द है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है? मिथ्या ज्ञान। पहला क्या था? प्रत्यक्ष था, सत्य ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज, यह भी एक वृत्ति है, चित्त वृत्ति। याद रखिए, हम पतंजलि वृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो मन में उठती हैं, और उसके बाद में
सभी वृत्तियों को बनाने के बाद कहेंगे कि इनका निरोध हमारा जीवन का उद्देश्य, लेकिन वृत्ति क्या है ये बता रहे। तो मन में एक प्रकार की वृत्ति हो सकती है, वह है सत्य ज्ञान। दूसरी वृत्ति होती है मिथ्या ज्ञान। अब याद रखिए, ये पांच वृत्तियां जो हैं, अभी कहा विपर्यय विकल्प प्रमाण, विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, इन पांचों का अगर आप थोड़ा एनालिसिस करें तो देखेंगे कि प्रमाण और विपर्यय, सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ये तो हमारी जागृत अवस्था या ये ऑब्जेक्टिव वृत्तियां हैं, यानी हम जो बाहर देख रहे हैं, इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, उस पर निर्भर करती हैं। विकल्प और निद्रा यानी इमेजिनेशन और सॉरी विकल्प और विकल्प और स्मृति यानी इमेजिनेशन और मेमोरी, ये है मन में उठ रही वृत्ति, उसका हमने बाहर से कोई संबंध नहीं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव वृत्ति है। और स्लीप क्या है, इसमें कुछ नहीं। अब स्लीप भी निद्रा भी दो प्रकार की होती है। कैसी? एक निद्रा होती है जब आप स्वप्न देखते हैं, और दूसरी निद्रा जब आप कोई स्वप्न नहीं देखते। जब स्वप्न देखते हैं तब क्या होता है, मन में कल्पना चल रही है, मन में इमेजिनेशन हो रहे हैं, यानी यह क्या है?